वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा ओपन हेयर के लिए हेयर स्टाइल। शादीशुदा औरतें भी कर सकती हैं, कुंवारी लड़कियाँ भी कर सकती हैं, पार्टी में कर सकते हो, कहीं घूमने जा रहे हो तो कर सकते हो। इस तरीके से अगर आपके बाल भी मेरे छोटे हैं और कंफ्यूज रहते हो हेयर स्टाइल करने के लिए, तो मैं आप लोग को आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उस पर भी जल्द जल्दी 1000 फॉलोअर्स करा दीजिए ताकि मैं उस पर आपको दिन भर की ब्लॉगिंग लाइव आके दिखा सकूँ। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तभी तो लाइव आऊँगी ना, इतना सा भी नहीं समझते। जल्दी जाओ और सब्सक्राइब करो उस चैनल को। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। तो हेयर स्टाइल के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बालों की ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है। गाइज आप लोग बोलते हो ना आप फ्रंट बैंक हेयर कट करो ये करो, तो मुझे बताना है आप लोग को बहुत सारा हेयर स्टाइल, बहुत सारा मेकअप, ब्राइडल हेयर स्टाइल, तो बैंक हेयर कट हो जाएंगे तो नहीं हो पाएगा ना अलग अलग स्टाइल का। और थोड़ा सा यूनिक सा बताना है तो उसके लिए लंबे बालों का शॉर्ट छोटा कैसे दिखा सकते हैं ये सब कुछ, तो आपको मेरे लॉन्ग बाल पे ही मिलेगा वो सारी हेयर स्टाइल। तो प्लीज कट करने के लिए ना बोलो। तो इस तरीके से हेयर टू हेयर पार्टिंग करने के बाद आपको इस वाले हेयर के पास से क्राउन एरिया पे आपको इस तरीके से हेयर को लेना है। ओके, बैक कॉम्बिंग मैं नहीं बताती हूँ क्योंकि बैक कॉम्बिंग से हमारे बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और फिर किसी की जड़ें कमज़ोर होती हैं तो बाल हेयर फॉल भी होने लग जाते हैं। ओके, तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको कॉम्ब कर लिया, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे आगे की तरफ पुल करेंगे। ओके, देन टिक टॉक क्लिप, बॉबी क्लिप जो भी है आपके पास उससे आप इसको क्लिप कर दो। ब्राइडल पे भी आप हेयर स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप ब्राइडल हो या फिर शादी वादी के लिए रेडी हो रहे हो तो आप मांगटी का तो यूज़ करोगे ना। आप चाहो तो इसमें स्टफी भी लगा सकते हो, मैंने स्टफी नहीं लगाया है। तो यहाँ पे आप मांगटी का ऐड करो, देन इसको क्लिप कर दो। एकदम सेंटर में होना चाहिए मांगटी का। आप छोटी वाली क्लिप ले लेना, मैंने बड़ी वाली ली है यहाँ पे। तो मांगटी का ऐड करने के बाद से आपको लेना है साइड से पार्टिंग। ओके, देन साइड से इस तरीके से मैंने हेयर उठाए हैं हल्का सा इस तरीके से, यहाँ से भी थोड़े से हेयर ले लो इस तरीके से, पकड़ो यहाँ से थोड़े से हेयर को खींच लो। ओके, इस तरीके से देन यहाँ पे आप इसको क्लिप कर दो, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। इसके बाद से आपका जो ये वाला हेयर बचा है इसको भी सेम इसी तरीके से आपको उठाना है और यहाँ से खींच लेना है। ओके, देन इसको भी क्लिप कर देना है। छोटी वाली क्लिप मिल जाए तो बेस्ट रहेगा ताकि आपके बालों में ज़्यादा क्लिप दिखे ना। ये भी लग रहा ना प्यारा, इसके बाद आपको इधर के हेयर का क्या करना है, इधर के हेयर की आप ट्विस्टिंग कर लो हल्का सा, एक बार ट्विस्ट करना है ऐसे पुल करना है थोड़ा सा, मतलब पॉपी सा लुक देना है। ओके, और इसको जहाँ पे आपने ये वाली क्लिप की है बैक वाली क्लिप यहाँ पे ले जाके सिक्योर कर देना है और ये आपका हेयर स्टाइल कंप्लीट है। आप चाहो तो आप पीछे के बालों को स्ट्रेट कर लो या फिर कर्व कर लो, दोनों ही अच्छे लगेंगे। इसके साथ आप बड़ी बड़ी ईयर रिंग्स पहन सकते हो, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। जो ईयर रिंग्स आपके पास हो, मतलब बड़ी पहनिए पहनिएगा, झुमका हो, ईयर रिंग्स हो, जो भी हो, तो मैं ये वाला डाल के दिखा देती हूँ। तो
आई होप आप लोग को हेयर स्टाइल पसंद आया हो, है ना, इजी और ब्यूटीफुल सा लुक। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है बालों में, तो ऊपर से ऐसे दिख रहा है। तो ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा, है ना इजी, और आप 5 मिनट में सिर्फ इसको बना सकते हो हेयर स्टाइल को। हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिले। तो लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और भी आपको इस टाइप की हेयर स्टाइल सीखनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, ओके। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से क्लिप कर लेती हूँ, वैसे तो मैं अभी खोलने ही वाली हूँ उसको, क्योंकि स्टूडेंट के सामने तो ऐसे नहीं जाऊँगी ना। वाओ, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए कमेंट कीजिए। बाय।